दोस्तों फ्री फायर गेम पे एक न्यू इवेंट दिया गया है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों आप जैसे ही अपना फ्री फायर आईडी को लॉगिन करेंगे तो ये जो इवेंट है ये आपको दिखाया जाएगा, जो कि रैम्पेज लीजन नाम से है। तो दोस्तों इस इवेंट के माध्यम से आपको चार नए नए बंडल के साथ साथ एक तगड़ा सा ग्लोवल दिया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप इस इवेंट को फुल कंप्लीट करने के लिए सोच रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि यदि आप इस इवेंट को डायमंड से स्पिन करके फुल कंप्लीट करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके पास कितना डायमंड होना चाहिए? नहीं ना। तो आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगा कि यदि आप इस इवेंट को फुल कंप्लीट करके चार नए नए बंडल और ये जो तगड़ा सा ग्लोवल दिखाया जा रहा है इसे आप लेना चाहेंगे तो इसके लिए आपके पास टोटल कितना डायमंड होना चाहिए। तो यदि आप जानना चाहते हैं और इस इवेंट को फुल कंप्लीट करके अपने फ्री फायर आईडी पे ये जो चार नया नया बंडल दिखाया गया है इस बंडल के साथ साथ इस ग्लोवल को लेना चाहेंगे तो ऐसे में आपको कितना डायमंड खर्च करना है ये जानने के लिए क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। यदि आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, बस नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पे दबा लेना है ताकि अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर दो रिडीम कोड ऐड किया है, तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ऐसे में आपको मिल सकता है रिडीम कोड जिसे आप अपने फ्री फायर आईडी में रिडीम करके डायमंड वगैरह परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना फ्री फायर आईडी को लॉगिन किया है तो पहले बैनर पे ही दिखाया गया है कि रैम्पेज लीजन, तो इसे मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये जो इवेंट है ये यहाँ पे खुल चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑल रिवॉर्ड्स का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर प्रेस करता हूँ तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि चार चार नया नया बंडल जो दिया जा रहा है वो ग्रैंड प्राइज में रखा गया है और नॉर्मल प्राइज में आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेगा। तो इसमें से लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तगड़ा सा ग्लोवल है ये ग्लोवल आपको दिया जाएगा जो कि नॉर्मल प्राइस में रखा गया है। तो दोस्तों इस ग्लोवल को लेने के लिए ही बहुत सारे भाई लोग इसमें डायमंड खर्च करेंगे, पर क्या आप जानते हैं कि यदि आप इस बंडल के साथ साथ इस ग्लोवल को लेना चाहेंगे तो ऐसे में आपको कितना डायमंड खर्च करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे डायमंड से स्पिन करना है तो एक स्पिन के लिए आपको 20 डायमंड देना है और 100 डायमंड में आपको यहाँ पे 6 स्पिन दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे 20 डायमंड दे करके स्पिन करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मुझे पहला स्पिन में फ्लैगमैन दिया गया है, उसके बाद दूसरा स्पिन में यहाँ पे कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पे गन बॉक्स दिया गया है। जैसे कि मेरे पास 340 डायमंड है तो 40 डायमंड को मैं दो स्पिन यहाँ पे कर लूंगा, उसके बाद 100 डायमंड से स्पिन करना शुरू कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे चार सिंगल स्पिन कर लिया है जिसमें मुझे यहाँ पे फालतू का चीज मिला है। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे 100 डायमंड दे करके 6-6 स्पिन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या होता है। जैसे कि इसमें भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो चलिए मैं यहाँ पे बकबक करना बंद करके स्पिन करना शुरू करता हूँ। बस आप लोग देख लीजिए कि इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे कितना डायमंड खर्च करना पड़ा। जैसे कि दोस्तों ग्रैंड प्राइज में से मुझे यहाँ पे एक बंडल मिल चुका है, आप देख सकते हैं। मतलब दोस्तों 300 डायमंड के आसपास ही मुझे यहाँ पे एक बंडल मिल चुका है जो कि ग्रैंड प्राइज में से है। तो दोस्तों चलिए फिर से मैं यहाँ पे डायमंड से स्पिन करना शुरू करता हूँ, लेकिन दोस्तों इसके लिए मेरे पास डायमंड नहीं है तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डायमंड परचेस कर लेता हूँ। दोस्तों मैं जितना भी डायमंड खर्च करता हूँ वो मैं अपने पैसे से ही खर्च करता हूँ। बात रही उन सारे यूट्यूबर्स के जिनको गरीना की तरफ से डायमंड दिया जाता है, वो लोग तो लाखों में डायमंड खर्च करेंगे ही, क्योंकि दोस्तों उन्हें दे ही जाता है डायमंड इसलिए ही ताकि वो खर्च करके आप लोगों को दिखा सके। दोस्तों यदि मैंने भी गरीना में पार्टनरशिप लिया होता तो मुझे भी हर एक इवेंट में लाखों में डायमंड मिलता, लेकिन दोस्तों पार्टनरशिप मैंने इसलिए ही नहीं लिया ताकि मैं आप लोगों को सही जानकारी दे सकूं कि यदि आप किसी भी इवेंट को कंप्लीट कराना चाहेंगे तो ऐसे में आपके पास कितना डायमंड होना चाहिए, मतलब कितना रुपीस आपको खर्च करना है वो आप सही से जान सके। जैसे कि मैंने यहाँ पे 800 रुपया पे करके 1060 डायमंड परचेस कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि 1060 डायमंड से क्या होता है, क्या ग्रैंड प्राइज में से बंडल मिलता है या फिर क्या मुझे ग्लोवल का स्किन मिलता है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से इवेंट को ओपन कर लिया है तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे 100 डायमंड के ऊपर प्रेस करके फिर से स्पिन करना शुरू कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा।
जैसे कि मैंने यहाँ पे 1000 डायमंड खर्च कर दिया है, लेकिन दोस्तों ना ही मुझे यहाँ पे ग्रैंड प्राइज में से बंडल मिला और ना ही ग्लोवाल का स्किन मिला। तो चलिए दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे टपअप करके फिर से मैं यहाँ पे स्पिन करना शुरू कर देता हूँ। और दोस्तों कल को एक टपअप इवेंट दिया गया था, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पे एक इमोट और एक कार का स्किन दिखाया गया था। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि दोस्तों मैंने 800 रुपया का टॉपअप किया है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये तगड़ा सा इमोट मिल चुका है, और उसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो कार का स्किन है जो कि बहुत ही कूल और एट्रेटिव है, ये भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है, आप देख सकते हैं। तो यदि आप 500 डायमंड का टॉपअप कर लेते हैं तो ऐसे में ये दोनों आपको मिल जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए मैं फिर से डायमंड परचेस करके फिर से मैं स्पिन करना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1600 रुपया पे करके 2180 डायमंड परचेस कर लिया है, और दोस्तों मेरा मंथली मेंबरशिप से 60 डायमंड मिला है, और अभी मेरे अकाउंट में 2240 डायमंड हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस डायमंड से देख लेते हैं कि क्या होता है। तो 2240 डायमंड के अंदर क्या मुझे ग्रैंड प्राइज का बंडल या फिर ग्लोवाल का स्किन मिलेगा या नहीं, वो आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं यहाँ पे स्पीड में कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि फिर से मुझे वही बंडल मिला है जो कि पहले मुझे मिल चुका है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरा कितना डायमंड खर्च हो सकता है। तो दोस्तों कितना डायमंड मेरा यहाँ पे खर्च होता है वो आप सही से देख लीजिए, उसके बाद ही आप सोचेंगे कि आपके लिए इतना डायमंड खर्च करना मतलब इतना रुपीस खर्च करना सही होगा या नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 डायमंड दे करके 6 स्पिन ले रहा हूँ। तो दोस्तों चॉइस एंड आइटम यू ऑन, तो दोस्तों ग्रैंड प्राइज में से मुझे यहाँ पे फ्री रिवॉर्ड दिया गया है। तो दोस्तों इस 4 बंडल में से किसी भी बंडल को मैं ले सकता हूँ। जैसे कि पहले नंबर का जो बंडल है इसे मैं ले लेता हूँ। तो दोस्तों आपको भी ग्रैंड प्राइज में से फ्री में रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो इसमें से किसी भी बंडल को आप फ्री में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों फ्री आपको तब दिया जाएगा जब आप इस इवेंट में 120 स्पिन कर लेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि 120 स्पिन करने के लिए आपको कितना डायमंड खर्च करना होगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे 100 डायमंड दे करके फटाफट से 6 स्पिन लेके देख लेता हूँ कि कब तक मुझे ग्लोवाल का स्किन मिलता है, क्योंकि दोस्तों ग्लोवाल का स्किन बहुत ही तगड़ा सा है, और मुझे पता है कि आप लोग ग्लोवाल का स्किन लेने के लिए ही ज्यादा से ज्यादा डायमंड खर्च करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे डायमंड मेरा यहाँ पे खर्च हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे ग्लोवाल का स्किन नहीं मिला। दोस्तों इतना सारा डायमंड खर्च करने पर मुझे यहाँ पे 2 बंडल मिला, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों वो लोग जानते हैं जो लोग पैसा खर्च करके डायमंड परचेस करता है कि इतना सारा डायमंड खर्च करने पर कितना बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों मैं हूँ ही आप लोगों को यह दिखाने के लिए कि यदि आप किसी भी इवेंट को कंप्लीट करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको कितना डायमंड खर्च करना है, ताकि आप लोग इतना सारा डायमंड खर्च करने से पहले सावधान हो सके। दोस्तों आप लोग सावधान हो जाइए किसी भी इवेंट को कंप्लीट करने से पहले, नहीं तो आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो सकता है। तो चलिए दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे 800 रुपया का टॉपअप करके फिर से स्पिन करना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1000 डायमंड परचेस कर लिया है, तो चलिए फिर से मैं यहाँ पे स्पिन करना शुरू कर देता हूँ, वो भी वीडियो को फास्ट करके। तो दोस्तों फिर से मुझे यहाँ पे फ्री रिवॉर्ड दिया गया है, क्योंकि दोस्तों फिर से मैंने 120 स्पिन कर लिया है। तो दोस्तों इस बार मैं इस बंडल को ले लेता हूँ। तो दोस्तों अभी भी मेरे आईडी पे 660 डायमंड है, तो चलिए फिर से मैं यहाँ पे स्पिन करना शुरू कर देता हूँ। तो फिर से यार वही बंडल मुझे यहाँ पे दिया गया है जो कि पहले 2 दे चुका है। तो चलिए दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे फटाफट से स्पिन कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि कितना डायमंड के अंदर मुझे ग्लोवाल का स्किन मिलता है, क्योंकि दोस्तों ग्लोवाल का स्किन बहुत ही तगड़ा सा है।
तो दोस्तों फिर से मेरा यहाँ पे 1000 डायमंड खर्च हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जो ग्लोअल का स्क्रीन है ये मुझे नहीं मिला है और इसे मैं लेकर ही दम लूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी सारे भाई लोग इसी ग्लोअल के लिए ही ज्यादा से ज्यादा डायमंड खर्च करने आएंगे। तो भाई लोग आप सही से देख लीजिए, तो मैं फिर से यहाँ पे 1000 डायमंड ऐड करके फिर से स्पिन करना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से 1000 डायमंड परचेस कर लिया है, तो चलिए वीडियो को स्पीड में करके स्पिन करना शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मुझे यहाँ पे मिल चुका है ग्लोअल का स्किन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप ये जान लीजिए कि इस इवेंट पर मैंने कितना डायमंड खर्च किया। तो दोस्तों पहले से ही मेरे फ्री फायर आईडी पे 380 डायमंड था, उसके बाद दोस्तों मैंने 1000 डायमंड का टॉप अप किया, उसके बाद फिर से मैंने 2180 वाला टॉप अप किया, उसके बाद मुझे मंथली मेंबरशिप से 60 डायमंड मिला था, उसके बाद दोस्तों फिर से मैंने 1000 डायमंड का टॉप अप किया और उसके बाद फिर से 1000 डायमंड का ही टॉप अप किया। तो इसका मतलब टोटल मेरा हुआ 5800 डायमंड और अभी मेरे आईडी पे 660 डायमंड है, मतलब टोटल मेरा यहाँ पे 5140 डायमंड खर्च हो गया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों किसी भी नॉर्मल बंदा को 5140 डायमंड खर्च करना बहुत ही बड़ी बात हो जाते हैं, तो ये गरेना कंपनी को समझना चाहिए, क्योंकि गेम पे ज्यादा बच्चे लोग एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों एक बच्चे के लिए इतना डायमंड खर्च करना बहुत ही बड़ी बात हो जाते हैं। तो यदि आप इस इवेंट को कम्प्लीट करना चाहेंगे तो ऐसे में आप सोच समझ के कीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने ये समझ लिया है कि यदि आप इस इवेंट को फुल कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कितना डायमंड होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर बस इतना ही बताना था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और जब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पे दबा लेना है, ताकि अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।